नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम आपको एक ऐसा सच दिखाएंगे जिसे देखकर ऐसे तमाम लोग जो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कहेंगे हाँ आज तक उनकी आवाज बन रहा है। क्योंकि ये जो मेडिकल स्टोर्स है जहां से आप दवा लेते हैं, ये जो डॉक्टर है कैसे लूट रहे हैं बीमार लोगों को, देखिए हमारे स्पेशल ऑपरेशन। में अगर सबसे बड़ी विलासिता अगर कोई है तो वो है अच्छा इलाज। इलाज का मतलब अस्पताल, अस्पताल का मतलब दवाई, और दवाई का मतलब कमाई। कमाई भी ऐसी कि मरीज लुट जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। मतलब इलाज ना कराए तो मौत लील जाए, और इलाज कराए तो बेमौत मर जाए। मैम एक्चुअली क्या होता है कि हम जो भी सरकारी डॉक्टर से जो भी दवा लिख पाते हैं वो दवा या तो मैम यहाँ तो मिलता ही नहीं पहली बात बाहर, और हमें पूरा घूमना पड़ जाता है, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर बोलते हैं मैम ऐसा दवा मिलता ही नहीं है। बस यूं समझिए कि दवा और दाम का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है, और जो रिश्ता है वो मरीज सात जन्म में नहीं समझ सकता। एमआरपी नाम का मुलम्मा लूट का वो चोर दरवाजा है जिस पर विश्वास करने की मजबूरी मरीज को बर्बाद कर देती है। दो रुपए की दवा 10 रुपए में खुलेआम बेचते हैं अस्पताल, और मानव सेवा का ऐसा ढोंग रचेंगे कि आपका कलेजा पानी हो जाएगा। हालत यह है कि 1000 की दवा 5000 रुपए में मिलती है, 1700 की दवा 7000 में मिलती है, 300 की दवा 1300 रुपए में मिलती है। 20 पैसे की गोली से लेकर 20,000 की सुई तक में मुनाफे का वो वायरस छिपा हुआ है जो फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता दवाई जुकाम की है या कैंसर की, शुगर की है या ब्लड प्रेशर की, ट्यूमर की है या टीबी की, थायराइड की है या थैलेसीमिया की। हर अस्पताल का कर्म एक, धर्म एक, मुनाफा परमो धर्मा। आज तक की यह पड़ताल इस देश के हर उस नागरिक के काम की है जिसने जिंदगी में कभी भी दवा खाई है या खरीदी है। देखते रहिए। कोई 2 रुपए की दवा की कीमत 10 रुपए आखिर कैसे ले सकता है, कैसे वसूल सकता है? 1000 की दवा 7000 में बिक रही है, 15000 का इंजेक्शन 45000 में। और ये ऐसा नहीं कि एक जगह हो रहा है, ये रोज हो रहा है, हर अस्पताल में हो रहा है, क्लिनिक में हो रहा है, डॉक्टर्स कर रहे हैं। सवाल यही है कि अब जब पर्दाफाश हुआ है क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि कौन सी दवा कितने की बनती है, कंपनी कितने मुनाफे पर बेचती है, स्टॉकिस्ट का मुनाफा कितना होता है, खुदरा दुकानदार कितना कमाता है, और मरीज से कितना वसूला जाता है? छूट कहाँ मिलती है? हम लोग तो वैसे इतने परेशान हैं, कुछ तो बीमारी से और कुछ इधर उधर आने जाने से। आज तक के पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसका मजमून बताता है कि मरीज भारत के बिगड़ेल अस्पतालों के लिए नोट छापने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं। हमने देश की 4 नामी दवा कंपनियों की कोटेशन खंगाली। ये कोटेशन द अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर ने अलग अलग अस्पतालों से जुटाए। कोटेशन का मतलब न्यूनतम कीमत का वो चिट्ठा जिस पर दवा कंपनियां अस्पतालों को दवा देने को तैयार है। इन कंपनियों ने अलग अलग अस्पतालों को अपने कोटेशन भेजे। जब हमने इनकी पड़ताल की तो पता चला सबसे खतरनाक बीमारियां अस्पतालों के लिए मालामाल होने का लाइसेंस है। देश के ज्यादातर अस्पताल मरीजों पर दबाव डालते हैं कि वो दवाइयां उनके दवाखाने से ही खरीदें। इसके लिए मरीजों को डराया जाता है कि बाहर की दवाइयों की कोई गारंटी नहीं, वो नकली हो सकती हैं, पुरानी हो सकती हैं, और उनके सॉल्ट में अंतर हो सकता है। मरीज चंगा होने के लिए इस पर यकीन करता है, लेकिन इसके पीछे एक चाल है। इस चाल को समझिए। चाल ये है कि दवा पर अस्पताल का मुनाफा 400% तक होता है। कोई भी दवा 50% से कम मुनाफे पर नहीं बिकती। जीवन रक्षक दवाओं पर मनमानी एमआरपी लिखती है कंपनियां। ये सभी दवाइयां इतनी सस्ती कीमत पे हॉस्पिटल को जाती है,
बदकिस्मती की बात है कि जो उन पे उनके ऊपर MRP लिखी होती है वो इतनी लिखी होती है कि मरीज़ को बाकी का कुछ अंधेरे में होता है, जिसका पैसा लगना होता है इस काम में उसको असलियत का बिल्कुल पता नहीं होता। तो सुनिए साहब, दाद हो या दमा, दिल की बीमारी हो या दिमाग की, खून की हो या दांत की, पेट की हो या आंत की, मोच हो या चोट हो, अस्पताल का मुनाफा कहीं नहीं जाता। ये देखिए, एमक्योर नाम की कंपनी ने अमृतसर के एक अस्पताल को अपना कोटेशन भेजा। इस कोटेशन को देखकर अच्छा भला आदमी बीमार पड़ जाए। इसके मुताबिक ब्लड कैंसर का एक इंजेक्शन है बाइमोड। इसकी MRP है 6,999.15, लेकिन कंपनी अस्पताल को सिर्फ 1,670 में देने पर राजी है। मतलब मरीज से वसूले जाएंगे 4 गुना से ज्यादा। इसी लिस्ट के मुताबिक कीमोथेरेपी की एक दवा है सेटाफिन। इसकी MRP है 5,168.50, लेकिन अस्पताल के लिए कीमत सिर्फ 1,111। लेकिन ये केवल एक अस्पताल या केवल एक दवा कंपनी का मामला नहीं है। बीमारी को लूट का लाइसेंस समझने में न तो कोई अस्पताल पीछे है और न ही कोई दवा कंपनी। इंटास फार्मास्यूटिकल्स की ये लिस्ट देखिए। बोन कैंसर की दवा है एजाडाइन। MRP 8,900, लेकिन अस्पताल के लिए दाम 3,800 मात्र। कैंसर की ही दूसरी दवा बोरविज, MRP 14,415, लेकिन अस्पताल के लिए 2,700 मात्र। कोई भी कंपनी पीछे नहीं, कोई भी अस्पताल पीछे नहीं। ये वो धंधा है जिसमें मुनाफे से कोई समझौता नहीं हो सकता। रिलायंस लाइफ साइंस की ये लिस्ट देखिए। ब्लड कैंसर की दवा है रिटोजाइडेल। MRP 36,946, लेकिन अस्पताल के लिए दाम 14,970 मात्र। कैंसर की दूसरी दवा है बेवाजाइरेल। MRP 38,360, लेकिन अस्पताल के लिए 16,500 मात्र। अबॉट कंपनी की ये लिस्ट देखिए। दिमाग थोड़ा और भी चकरा जाएगा और दिल थोड़ा और बैठ जाएगा। 32,700 के MRP वाली रेटेलेक्स अस्पताल को सिर्फ 18,000 में बेचती है कंपनी। तो क्या समझे, भारत में मरीज और दवा के बीच इलाज का रिश्ता बाद में बनता है, पहले तो रिश्ता मुनाफे और लूट का बनता है। इस लूट की छूट को नमस्कार कीजिए। आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। आज तक पर डॉक्टर डकैत के इस खुलासे के बाद हमने बात की स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से। ये जो सभी जानते हैं, ये जो खुलेआम लूट मची हुई है बीमार लोगों के साथ, इसका कोई इलाज है? कम से कम इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने आज तक से बातचीत की है, क्या कहा है सुनिए। बहुत ही सीरियस मैटर है, आपने ध्यान में लाया है। मैंने NPPA को कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक विशेष निर्देश रहा है कि हमको प्राइसेस को अफोर्डेबल करना है। इसीलिए हम लोग जन औषधि भी चला रहे हैं और इसीलिए हम अमृत भी चला रहे हैं। और अमृत के माध्यम से और जन औषधि के माध्यम से हम ब्रांडेड ड्रग्स भी जो हैं उनको भी हम अफोर्डेबल कर रहे हैं और जन औषधि में हम जेनरिक ड्रग्स को अफोर्डेबल कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो इसमें प्रयासरत हैं, लेकिन ये जो नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी है इसके साथ हम इस विषय को लेंगे और आपने ध्यान में लाया है, हम इस पर एक्शन लेंगे। हम फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के साथ बातचीत करते हुए इसमें जो कुछ भी किया जा सकता है करेंगे। जो उद्देश्य है वो बड़ा स्पष्ट है, स्टेंट्स में भी यही उद्देश्य था कि हमको अफोर्डेबल बनाना है और बहुत प्राइसेस ऊंची हैं, इतना प्राइसेस नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने उसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में पहले लेके आए और उसके बाद हमने उसको कैप किया। लगभग 700 मेडिसिन को हम NLEM में लेकर के आए हैं और हम उसको अफोर्डेबल बना रहे हैं। तो देखा आपने, अब सवाल यही है कि ये जो खुलकर डॉक्टर डकैत ऑपरेट कर रहे हैं, इन सब का ऑपरेशन कब ये देश की सरकार करेगी, स्वास्थ्य मंत्री करेंगे? लेकिन अब आपको लिए चलते हैं बिहार की तरफ। दो बड़ी खबरें बिहार से आ रही हैं, दोनों बिहार में सियासत से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है मुख्यमंत्री नीतीश और तेजस्वी की बैठक खत्म हो गई है। 3 लोग बताया जा रहा है, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और तेजस्वी इस बैठक में शामिल थे। 1-to-1 बातचीत हुई है नीतीश कुमार की, डायरेक्टली बातचीत हुई है। कैबिनेट की बैठक थी जिसमें अलग से दोनों की बातचीत हुई है और हर मुद्दे पर बातचीत, यानी ये माना जा रहा है कि सवाल सीधा सीधा पूछा गया, जिस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं और उस पर जवाब भी सीधा सीधा आया तेजस्वी की तरफ से। 45 मिनट तक हर मुद्दे पर तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के बीच में बातचीत हुई।
लेकिन अपने ही घर में सत्ता में सियासी बवंडर के बीच एक दांव खेलते हुए लालू प्रसाद यादव, और वो ये कि आपको आपने देखा होगा मायावती आज बहुत गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि मैं अब पार्लियामेंट से संसद से इस्तीफा दे रही हूं। अब उस पर मायावती के इस्तीफे पर लालू का बयान आ गया, सीधे कर दिया प्रस्ताव पेश, और वो प्रस्ताव ये है कि मैं बिहार से मायावती को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हूं। आजकल विपक्ष की एकजुटता को दिखाने के लिए सारा का सारा बोझ लालू प्रसाद यादव ने अपने कंधों पर ले लिया है, कोई मौका जाने नहीं देते। मायावती आज खूब गुस्से में दिखी और उस गुस्से की प्रशंसा करते हुए, आक्रामक अंदाज की प्रशंसा करते हुए लालू प्रसाद यादव, लेकिन वो सियासी बवंडर भी तो एक सच्चाई है जो इस वक्त सत्ता में छिड़ी हुई है बिहार में। कैबिनेट की बैठक, लेकिन अलग से तेजस्वी और नीतीश कुमार की बातचीत, तलवारें तो खिंची हुई हैं, लेकिन आगे क्या हो रहा है? बिहार में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई तो उसमें शामिल होने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके भाई भी पहुंचे। तमाम अटकलों के बीच तेजस्वी आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन अब तक उनके इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। देर शाम तक चली बैठक के साथ ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी की अलग कमरे में बैठक हुई जिसमें अशोक चौधरी भी मौजूद थे। हालांकि सुबह जेडीयू ने तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जेडीयू ने आरजेडी पर हठधर्मी का भी आरोप लगाया। गठबंधन धर्म एक दूसरे के सम्मान से चलता है, हठधर्मिता की बुनियाद पर नहीं बल्कि संवाद की बुनियाद पर। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर हमला बोला। देखिए, मूंछ की लड़ाई की जरूरत नहीं है कि मूंछ थी कि नहीं थी, दाढ़ी था कि नहीं था, तो दाढ़ी में तिनका या मूंछ की लड़ाई इसकी जरूरत नहीं है, ये तो दस्तावेज है। पिछले 7 जुलाई को लालू यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई छापों के बाद से ही बिहार सरकार पर संकट के बादल छाए हुए थे, क्योंकि सीबीआई के एफआईआर में तेजस्वी यादव का भी नाम था। लिहाजा जेडीयू ने तेजस्वी को इस्तीफे के लिए अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन आरजेडी ने साफ कर दिया था कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। इस घमासान के चलते तेजस्वी यादव ने अपने दफ्तर में आना बंद कर दिया था। जब से सीबीआई ने केस दर्ज किया है तेजस्वी यादव के खिलाफ 5 जुलाई को, और 7 जुलाई को सीबीआई ने 10 सर्कुलर रोड, जो कि लालू प्रसाद यादव का आवास है, वहां पर छापेमारी की है, उसके बाद से तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दफ्तर नहीं आए हैं। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के पहुंचने के बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिहार सरकार में अब ऑल इज वेल हो गया है। तेजस्वी पर नीतीश के तेवर नरम पड़ गए हैं, तो क्या तेजस्वी पर एक्शन के लिए सीबीआई चार्जशीट का इंतजार करेंगे नीतीश? रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। ना मामला सुलझता है, ना मामला और भी बिगड़ता है। अब क्या रास्ता बनता है, इस पर सबकी नजर है, और यही रास्ता समझने के लिए रघुवंश प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रघुवंश जी, कौन झुकेगा समझ में नहीं आ रहा। नीतीश हाई मॉरल ग्राउंड पर वैसे ही खड़े हैं, कहते हैं मैं भ्रष्टाचार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इधर लालू प्रसाद यादव बेटे के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है। कौन झुकेगा, क्या हो रहा है? हाँ, तो बीच में लोग आपस में संवादहीनता के चलते हवा में लोग तीर छोड़ा गया है दोनों तरफ से, इससे जरूर भ्रांति हुई है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में संवादहीनता खत्म करना चाहिए और नेताओं को तो समझबूझ से काम करना चाहिए। और तो तरह तरह के लोग हैं, सब अपनी अपनी राय में अपना अपना टेम्परामेंट के हिसाब से बोलते रहते हैं, लेकिन नेताओं को तो समझबूझ से बैठक करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। चूंकि जनता का, कार्यकर्ताओं का, दोनों पक्षों तीनों पक्षों का बड़ा भारी भरोसा है, तो नेताओं को उस मुताबिक काम करना चाहिए, जन आकांक्षा के मुताबिक चलना चाहिए। जनता को तो भारी भरोसा है, लेकिन इन दोनों को अपने एक दूसरे पर भरोसा है या नहीं, ये भारी पड़ रहा है। रघुवंश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब नौबत ऐसी आ गई है कि नीतीश बर्खास्त कर सकते हैं तेजस्वी को? असली जनता ना मालिक है, जनता में यह बताना, अवगत कराना कि
जैसे सोझे सीधे उस पर कोई एक्शन इधर से हो जाता रिस्पॉन्स। बीजेपी वाले ने सवाल उठा रहे थे, हल्ला उठा रहे हैं। बीजेपी वाले ताबड़ तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं किसी हालत में महागठबंधन टूटे, और श्री नीतीश कुमार को ललकार भी रहे हैं, कहीं प्रशंसा भी कर रहे हैं और कहीं कुछ माने उत्तेजना पैदा करा रहे हैं। तो इससे तो बचना चाहिए, और इनके मन में है कि जनता जान जाए कि ये बनावटी केस है, या न तो शुरू में हम स्वीकार कर लें तो कहीं ये न बुझे जो सही में ये लोग दोषी है क्या। तो इसी इम्प्रेशन में अभी तक का मामला खिंचता चला आया। जिस बिहार का उदाहरण देकर ये बताया जाता था कि अगर विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विजय पाने के लिए आगे बढ़ना है तो बिहार फॉर्मूला अपनाइए, वो फॉर्मूला तो अब चरमराते हुए दिख रहा है। रघुवंश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब मतभेद खुलकर सामने है। अब सवाल ये है कि भद किसकी ज्यादा पिट रही है, और इन सब के बीच बिहार में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, कौन चुकेगा। दिल्ली में बिजली चोरी रोकना गुनाह बन गया। एक इंजीनियर ईमानदार, उसने सोचा इतनी बिजली चोरी हो रही है, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी, उसकी हत्या कर दी गई। हो सकता है कि ये तस्वीरें आपको मामूली लगें, हो सकता है कि आप इन तस्वीरों को महज एक रोड एक्सीडेंट समझें, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे आप जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क के किनारे पेड़ से टकराकर इस कार का कचूमर बन चुका है, लेकिन ये कार पेड़ से क्यों और कैसे टकराई, इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। आप बेहद गौर से सुनिएगा। और अब सेंटा के साथ खड़े इस शख्स को भी देखिए, क्योंकि इस कार और इसके पीछे छुपी कहानी का सारा ताल्लुक इसी शख्स से है। ये शख्स अब दुनिया में नहीं है। इसका नाम अभिमन्यु है और ये बिजली विभाग का इंजीनियर था। तस्वीरें दिल्ली में पोस्टमार्टम हाउस की हैं। अभिमन्यु की मौत से पूरे परिवार पर कहर टूटा है, हर कोई रो रहा है और इंसाफ मांग रहा है। इन्होंने क्राइम किया, अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, और आज मेरे साथ हुआ, कल मेरे कलीग रिलायंस वाले किसी दूसरे भाई के साथ होगा, इसलिए मुझे आई वांट जस्टिस। बिजली चोरों पर छापा मारने गए इंजीनियर की मौत। दिल्ली के बिजली चोरों ने इंजीनियर की जान ही ले ली। इंजीनियर अभिमन्यु की मौत, चार अफसर बुरी तरह घायल। बिजली विभाग को दिल्ली के जाफरपुर झुलझुली गांव में सूचना मिलती है कि यहां 60% बिजली चोरी हो रही है। ऐसे में बिजली चोरों पर रेड मारने के लिए BSES की एक टीम तैयार होती है, जिसकी अगुवाई इंजीनियर अभिमन्यु करते हैं। पूरी टीम बिजली चोरों के गांव में पहुंच जाती है। जैसा सुना था यहां ठीक वैसा ही हो रहा था। दिल्ली के झुलझुली गांव में BSES की टीम का एक्शन शुरू होता है। इंजीनियर अभिमन्यु और उनकी टीम बिजली चोरी की वीडियोग्राफी कर लेती है। अभी छापेमारी चल ही रही थी कि बिजली विभाग की इस टीम को गांव वाले घेर लेते हैं और हमला कर देते हैं। इन बिजली चोरों के पास हॉकी रॉड और दूसरे हथियार भी थे। ऐसे में कार का ड्राइवर वसीम BSES की टीम को बचाने के लिए गाड़ी भगा देता है, लेकिन कुछ लोग हथियारों के साथ बाइक से कार का पीछा करते हैं। घबराहट में ड्राइवर कार की स्पीड और बढ़ा देता है और दहशत में कार एक पेड़ से टकरा जाती है। एक गाड़ी के पीछे जो है कुछ बाइकर्स उसको चेज करने लग गए, तो थोड़ा आगे चलने के बाद गाड़ी की स्पीड थोड़ा तेज, वो गाड़ी ने थोड़ा सा जैसे लेफ्ट टिल्ट किया अपने, तो गाड़ी वहीं पे जो है लेफ्ट को जो है एक किस्म से गिर गई, और साइड में पेड़ था बहुत बड़ा, उस पेड़ के साथ और कलिजन के साथ वो गाड़ी पूरी तरह से क्रश हो गई है। उसमें एक की डेथ हो गई है और बाकी चार काफी क्रिटिकल हैं, हॉस्पिटल में हैं। और इस तरह से टीम लीडर अभिमन्यु की मौत हो जाती है। अभिमन्यु के इंसाफ के लिए सैकड़ों बिजली विभाग के कर्मचारी राव तुलाराम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि ये एक्सीडेंट बिजली चोरी करने वालों के पीछा करने से नहीं हुआ है। अभी तक ये बात तो प्रत्यक्षदर्शी कोई कोरोबोरेट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको चेंज किया गया था, लेकिन फिर भी सभी एंगल की जांच होगी और जो भी तफ्तीश में निकल करके आएगा उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। पहले इस केस को ऐसा कर रहे हैं कि जैसे नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है ओवर स्पीडिंग की वजह से। ओवर स्पीडिंग नहीं हुई है, इसके पीछे लोग लगे थे, उनके पास में हथियार थे
अपना ये हॉकी था, स्टिक थे, मारने के उद्देश्य से आए थे, बाइक पे थे वो लोग, तो ये लोग घबरा के भागे हैं और उसकी वजह से ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मारे गए इंजीनियर अभिमन्यु सिंह की उम्र 35 साल थी और वो पटना के रहने वाले थे। हालांकि पुलिस बिजली विभाग के साथ मिलकर चोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि बिजली चोरों की वजह से एक इंजीनियर की मौत हो गई। बिजली चोरों की वजह से बीएसएस के एक होनहार अफसर को जान गंवानी पड़ी। बहरहाल अब पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का इस मामले में साफ साफ ये कहना है कि गाड़ी का पीछा कोई नहीं कर रहा था, जबकि बीएसएस की तरफ से जो शिकायत गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि गाड़ी का पीछा गांव वाले कर रहे थे, इस वजह से कार का एक्सीडेंट हुआ जिससे अभिमन्यु की मौत हो गई। बहरहाल दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की जाँच जारी है। कैमरन वाहिद और ओपी शुक्ला के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। चोर दिल्ली का रॉबिनहुड बिहार में। जी हाँ, चोरी यहाँ दिल्ली में करता था, लेकिन यही पैसे ले जाकर बिहार में लोगों पर लुटाता था। लोग रॉबिनहुड कहते थे, अय्याशी बिहार में करता था। एक भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, पकड़ा गया दिल्ली में। क्या स्टाइल, क्या लुक, क्या जलवा, क्या रुआब और क्या मिजाज। हर तस्वीर इस शख्स की रईसी की बानगी है। हर तस्वीर से इसकी बेहिसाब शोहरत झलकती है। इन जनाब की सोशल मीडिया पर पहचान आर्यन नाम के एक उद्योगपति की है, लेकिन जरा इनकी ये तस्वीर तो देखिए। पैरों में मामूली सा दिख रहा सैंडल, कपड़े भी कुछ खास नहीं। आंखों से बह रही है आंसुओं की धारा और जुबान से निकल रही है किसी गुनाह के कबूल नामे की धीमी सी हामी। क्या लग रहा है, जो किया तुमने काम गलत किया? दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में रॉबिनहुड चोर, वो चोरी के पैसों से करता था गरीबों की मदद। खुश हुआ तो देता था हजारों की बख्शीश। क्या था, पुलिस की नाक के नीचे कोठियों की तिजोरियां टूटने लगी, महंगे सामान गायब होने लगे, पुलिस की पेशानी पर बल पड़ने लगा। और खास बात ये कि इरफान किसी गैंग में शामिल तक नहीं हुआ, बल्कि रेकी करता, बंद घरों की तलाश करता और फिर अकेले ही वहां हाथ साफ भी करता। अकेले ही घर के अंदर जाता था और ऑलवेज वो नंगे पांव जाता था, और जो घर लॉक मिले उसमें अपना फोर्सफुल एंट्री करके वहां से पॉश कॉलोनीज में से गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, लग्जरी वॉचेस, ये रिकवरी हुआ है ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीज के गोल्ड डायमंड ज्वेलरी और लग्जरी वॉचेस। लेकिन मिजाज से दूसरों से जरा अलग था इरफान। मसलन गाड़ियों का शौकीन, और जब उसे किसी का गाना अच्छा लगता तो वो उसे 10,000 रुपए की बख्शीश भी दे देता। यही नहीं, कभी किसी गरीब लड़की की शादी रुक जाती तो उसके घर वालों को हजारों रुपए थमा देता। बिहार में अपने गांव सीतामढ़ी में जाकर 12 से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादियां भी करवा चुका था, लोगों की आंखों का ऑपरेशन भी करवाया। लेकिन उसके सारे नेक कामों पर पानी तब फिरा जब उसकी असलियत सामने आई। फिलहाल दिल्ली से लेकर कानपुर, आगरा और पंजाब के जालंधर जैसे शहरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका इरफान पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए पर पछता रहा है। ये रॉबिनहुड पहले चोरी करता था और फिर चोरी के पैसों से नेक काम करता था। दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इरफान के पास से 25 लाख से ज्यादा का सामान मिला है। 4 साल से पुलिस इसको तलाश रही थी, आखिरकार पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इससे और रिकवरी भी संभव है। कैमरा वाहिद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। तो रॉबिनहुड बिहार का, चोर दिल्ली का। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात। सैलाब का दरिया है और पार जाना है। हालत ऐसी हो रही है, एक व्यक्ति की मौत हो गई और राम नाम सत्य है। उस सैलाब के बीच में उसका अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाया गया। जगह जगह, शहर शहर, सब जगह पानी। सैलाब ने लोगों को न घर का छोड़ा न घाट का। गुजरात में लोगों की जिंदगी में ऐसा पानी घुसा है कि लोग बाहर हैं और पानी अंदर। सैलाब ने लोगों की रोजी रोटी छीन ली।
दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। और तो और मरने के बाद भी सैलाब लोगों को सता रहा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन यहाँ तो सड़क दरिया है और डूब के जाना है। इन तस्वीरों को देखिए। अहमदाबाद के हाटकेश्वर इलाके में सुबह ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सैलाब के बीच अंतिम यात्रा निकाली गई। पानी इतना था कि अर्थी भी कमर तक चढ़ते पानी के बीच से ले जानी पड़ी। और ये देखिए, ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। घरों में पानी घुस गया है। आप देख सकते हैं, सोफा पानी में डूबा है, बेड पानी में डूबा है, वाहन पानी में डूबे हैं। और ये देखिए, गुजरात के वलसाड़ में बड़े बड़े आलिशान मकान बाढ़ के पानी में डुबकियां ले रहे हैं। बस्तियां डूबी हैं, लोगों के घरों में पानी भरा है, लोग बर्तनों से बाढ़ का पानी निकाल रहे हैं। और ये देखिए रेलवे ट्रैक, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रेलवे ट्रैक नहीं बल्कि यहाँ कोई नदी बह रही है। ये तस्वीरें सूरत की हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। मूसलाधार बारिश में मशीनरी फेल हो रही है, वाहनों के इंजन फेल हो रहे हैं। अहमदाबाद में भी भयंकर बारिश हो रही है। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी पर बने वासना बैराज के भी दो दरवाजे खोल दिए गए हैं। अहमदाबाद में कल देर रात से शुरू हुई बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के सीजी रोड पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस कदर जो बारिश का पानी है वो यहाँ पे भरा हुआ है। जो व्हीकल्स है उसे आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर गया है, घुटनों तक का पानी सीजी रोड पे आ गया है। बाढ़ से अब तक गुजरात में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। निचले इलाकों में 500 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बाढ़ से गुजरात के 31 हाईवे बंद हो चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें नवसारी, वलसाड़, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, अमरेली शामिल है। गुजरात में पिछले 22 घंटों में 24 इंच बारिश हुई है। पूरे राज्य में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां कर दी है। एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक। मुंबई, गुजरात, कई उत्तर भारत के राज्य, सब जगह पानी का सैलाब भरा हुआ है। फिलहाल इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन सबसे दमदार 40 सेकेंड की न्यूज वीडियो के लिए मोबाइल तक .in पर लॉग इन करना नहीं भूलिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।